Hello students, how are you? I hope you are enjoying the studies. Today this is the last part of the first lesson of 8th class, that is crop production and management. In the previous videos we had gone through preparation of soil, sowing of seed, adding manure and fertilizers, irrigations, protection from weeds, that is weeding and harvesting. In this video we will study about storage and some other type of the animals, that is animal husbandry and pisciculture, etc. When we harvest our crop and separate the grains from the chaff or the hay, now it's time to keep the production at the proper place. And the process of keeping the harvest or the grains at a safe place where moisture, insect, rats and microorganism do not cause harm to it. क्या है, जब हमने फसल प्राप्त कर ली, अब फसल प्राप्त करने के बाद हमें अपनी फसल को संभाल के रखना है ऐसी जगह पे जहाँ पे वो मच्छर यानी कि उस पर नमी ना आ जाए, उसको इंसेक्ट कीड़े ना लग जाएं, जैसे हमारे यहाँ क्या लगती है, विवि लगती है, जिसको हम सुसरी बोलते हैं, चूहे ना खा लें, रैट्स ना खा लें, गिलहरियाँ ना खा लें या कोई और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर पनप कर उसको हार्म ना पहुँचा सकें. So this total process is known as the storage. अब क्या है, जैसे गेहूं तो हम तभी काटते हैं, वीट तभी काटी जाती है when it is totally dried. लेकिन मक्की हम पहले काट लेते हैं या कुछ फसलें हम पहले काट लेते हैं. अभी हम सिर्फ सीरियल्स की बात कर रहे हैं, सीरियल मतलब अनाजों की बात कर रहे हैं. आफ्टर दैट द डिस्कशन इज टोटली डिफरेंट. अब क्या है कि जो हमारे पास, मान लीजिए हमने मक्की है, आपने भी देखा होगा जब मक्की को हम क्या करते हैं, उसके कोब, मेज कोब, मेज कोब क्या होता है, भुट्टा, जिसमें से आप वो निकालते हैं ना बीच में से, जब खाते हो भून के, तो उसको मेज कोब कहते हैं. हमने भुट्टे में से किसको निकाल दिया, दाने अलग कर दिए. अब उस दानों को आप किस तरह से क्या करते हैं, डायरेक्ट तो स्टोर नहीं करते हम, उससे क्या करते हैं, वी मस्ट ड्राई इट, हम उसको जरूर ड्राई करते हैं. व्हाई? एक बात ध्यान रखने वाली है कि जब भी कोई हमने किसी भी ग्रेन को स्टोर करना है, उसके अंदर जो मॉइस्चर है वो कितना होना चाहिए, इट शुड बी 12 to 15%, इससे ज़्यादा नहीं रहना चाहिए. ये सबसे सूटेबल है, कई जगह 18% भी है, लेकिन 50% रहता है तो उसके अंदर क्या नहीं पैदा होंगे, द इंसेक्ट्स डजेंट ग्रो देयर, द माइक्रोजम डू नॉट ग्रो इन द ग्रेन्स. सो वाई, अगर हम इस मॉइस्चर को ख़त्म कर देते हैं तो इसका मतलब ये सारे इंसेक्ट्स या फिर माइक्रोजम्स के अंदर पैदा नहीं होंगे और हमारे जो ग्रेन्स सब बच जाएंगे. तो क्या है, द रिच मॉइस्चर कंटेंट क्या करता है, द रिच मॉइस्चर कंटेंट इन इज फेवरेबल फॉर द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ठीक है, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पैदा करने के लिए सबसे अच्छी चीज़ है, सच एज फंजाई, बैक्टीरिया. सो टू प्रिवेंट दिस लॉस, ठीक है, ग्रेन्स आर ड्राई, ये हमारी फसल का नुकसान ना हो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको सुखा लेते हैं. व्हाट आर द वेरियस वेज ऑफ स्टोरेज, स्टोरेज के तरीके क्या क्या हो सकते हैं, हमने भी अपने घर देखे हैं, क्या हो सकते हैं, बड़े बड़े गोदाम होते हैं, बोरियां होती हैं, या हम क्या कर लें, टेंचियां जिसको बोलते हैं वो लगा सकते हैं. लेकिन जो हम ये चीज़ें देख रहे हैं, ड्रम लगाया हो सकता है, ये तब है जब हमारे पास क्या है, या तो पल्सेज हैं, पल्सेस क्या होती है बेटा, दालें, या क्या है, सीरियल्स हैं. सीरियल्स क्या होते हैं, अनाज. सीरियल्स में क्या क्या आता है, वीट, गेहूं, ज्वार, मिलेट जिसको हम बाजरा कहते हैं, जो कहते हैं, गेहूं कहते हैं, मक्की, चावल, वो सब सीरियल्स हैं. और पल्सेस में क्या आता है, पल्सेस में हमारे पास आता है दालें, जैसे दालें आप कौन कौन सी खा रहे हैं, पी, मटर, ग्राम, चना, लेंटिल, मसूर, तो ये सारी ऐसी सारी पल्सेज होती हैं. तो इन सब को हम किस में स्टोर कर लेते हैं, दे कैन बी स्टोर इन सिलोज और ग्रेनरीज.
लेकिन अगर हमारे घर में फ्रूट या वेजिटेबल्स हैं, वो एक्स्ट्रा मात्रा में आ गए हैं, तो उनको स्टोर करने का क्या मेथड रहता है? तो पहला तो है कोल्ड स्टोरेज, पहला मेथड का रहता है कोल्ड स्टोरेज में इसको स्टोर किया जाता है। दूसरा मेथड रहता है ड्राइंग, जैसे भिंडी है, मटर है, इनको निकाल लो, फिर सुखा लो, फिर सुखा के इसको रख लो। या फिर क्या हो सकता है, मेकिंग पिकल्स, मुरब्बा एक्सेट्रा, हम क्या कर सकते हैं, अचार बना के इनको रख सकते हैं, स्मोकिंग कर सकते हैं। तो दीज आर द वेरियस मेथड वाई विच द सीरियल्स, ग्रेन्स, फ्रूट्स एक्सेट्रा कैन बी स्टोर। यहां तक हो गया, अब हमारे पास इतनी स्टोर होगी, हम इनको कभी भी यूज कर सकते हैं। एक चीज और, अगर आपको कहीं क्वेश्चन आ जाता है, प्लीज फसल उगा रहे हैं तो फसल के साथ साथ कुछ और चीजें भी हम करते हैं। मोस्टली जिन्होंने खेतों में फसल उगाई होती है तो वो क्या कर लेते हैं, पशुओं को पाल लेते हैं। पशु मीन्स कौ, बफलो, इन सबको पाल लेते हैं। तो क्या है, रीयरिंग ऑफ एनिमल्स फॉर द बेनिफिट, अपने बेनिफिट के लिए जंतुओं को पालना क्या कहलाता है, इट इज नोन एज द एनिमल हस्बेंड्री, दिस इज नोन एज द एनिमल हस्बेंड्री। तो पहले व्हाट इज द एनिमल हस्बेंड्री, रेयरिंग ऑफ एनिमल फॉर द बेनिफिट इज नोन एज एनिमल हस्बेंड्री। देन व्हाट इज द बेनिफिट या एडवांटेज ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, फायदा क्या है किसी को इस चीज का। देखिए आप खेत में जाते हैं, खेत में से घास निकालते हैं, उस घास को फेंकना ही है, तो अच्छा क्या करो, पशु को डाल दीजिए। द वीड्स ऑफ द फील्ड इज यूज एज फॉडर, ठीक है, हमने क्या कर दिया, जो फील्ड का वीड था, यानी कि जो क्या था हमारे पास, वेस्ट था, उसको हमने क्या कर दिया, एज अ फॉडर यूज कर दिया। नाउ एज अ रिजल्ट, जब आपने उसको खिलाया तो आपको उसके रिजल्ट में क्या मिला, गोबर, दैट इज अ मैन्योर। द मैन्योर फ्रॉम द एनिमल्स यूज फॉर एनरिचमेंट ऑफ सॉइल, एक तो आपको क्या मिल गया, आपने जो आपकी फार्मिंग थी, जो आपका एग्रीकल्चर वेस्ट था, उसको क्या बना दिया, मैन्योर में कन्वर्ट कर दिया। पहला फायदा तो ये हो गया। दूसरा, एनिमल प्रोवाइड मिल्क, एग, मीट, आप देखिए उसी वेस्ट से क्या हो सकता है, आपके एनिमल्स आपको मिल्क दे रहे हैं, एग दे रहे हैं, मीट दे रहे हैं। सो द एड इनकम ऑफ द फार्मर, इट इज एड इन द, तो क्या है, ये उनकी इनकम में फायदा हो जाता है। उसके बाद बलक्स, जो बैल हैं, कहाँ यूज होते हैं, देख आर यूज फॉर प्लोइंग, तो प्लोइंग मीन्स खेत में हल चलाने में यूज हो सकते हैं, या कार्टिंग, छकड़ा चलाने में, तो इनमें कहीं भी यूज किया जा सकता है। तो दीज आर द बेनिफिट ऑफ द एनिमल हस्बेंड्री, इट मीन्स एनिमल हस्बेंड्री कैन कन्वर्ट द वेस्ट इनटू मनी, जो वेस्ट थी उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, एक बहुत अच्छी किस्में इनकम सोर्स में कन्वर्ट कर देती है। अलोंग विद द एग्रीकल्चर एंड द कैटल फार्मिंग, द पर्सन कैन परफॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ द अदर फार्मिंग ऑल्सो, और अदर कल्चर्स लाइक खेती बाड़ी में जो किसान है वो पशु पालने के साथ साथ और भी कई कार्य कर सकता है, जैसे पिस्सी कल्चर। अगर कहीं पिस्सी कल्चर का शब्द आता है, इट मीन्स, या फिशरी कहा जाता है, तो फिश फार्मिंग, मछलियों को पालना पिस्सी कल्चर कहलाता है। ऐसे सिल्वी कल्चर, कल्टीवेशन ऑफ फॉरेस्ट्री, खेतों के आसपास क्या कर दीजिए, आप पौधे लगा दीजिए, बाद में उनको काट के बेच दीजिए। हॉर्टिकल्चर, कल्टीवेशन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, आप फल और सब्जियों का भी क्या कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं। देन सेरिकल्चर, रीयरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स, ठीक है, रेशम के कीड़े को पाल सकते हैं। एपिकल्चर, दैट इज द रीयरिंग ऑफ हनी बी, मधुमक्खियों को पाला जा सकता है। फ्लोरिकल्चर, इट इज द कल्टिवेशन ऑफ द फ्लावर्स। तो इस तरह से डिफरेंट अगर हम क्या कर देते हैं, इन डिफरेंट अपनी हैबिट्स में अन्य चीजों को ऐड कर सकते हैं, इवन हम मशरूम ग्रो कर सकते हैं, राइट तो मशरूम मार्केट में काफी ज्यादा दिखती है। तो इन सब का अगर हम यूज करें, हम अपने सिर्फ किस पे ना बैठे, क्रॉप मैनेजमेंट के साथ साथ हम कैटल फार्मिंग और डिफरेंट दीज कल्चर्स को यूज कर लेते हैं, तो इट विल एड इनकम इन द इन योर पॉकेट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, इंजॉय इट। और एक चीज़, इसके साथ साथ जितने क्वेश्चन हैं लेसन के, उसको कवर कीजिए। कोई प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। और एक और रिक्वेस्ट, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए,
ताकि मेरा हौसला बना रहे। धन्यवाद।